क्योंकि वैसे ही एक विवाद बनाई दिया, कोई बात तो है नहीं। स्कूल में तो पहले से ही जैसे ड्रेस कोड होता है, ड्रेस लगती है, जब हम थे तब भी ड्रेस थी, अब भी ड्रेस है, आने वाले टाइम में भी ड्रेस रहेगी। उसके मैं समझता हूँ कि जानबूझ के इसको चुनाव के दौरान जानबूझ के कुछ संस्थाओं ने इस प्रकार की एक खड़ी करी, एक उसको ताकि एक विवाद खड़ा हो जाए, और उस पर मैं नहीं समझता इसका कोई औचित्य है। बहुत अच्छा रहेगा निश्चित तौर से। और मैं उत्तर प्रदेश में गया, उत्तर प्रदेश का तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे स्वीप कर रही है। जहाँ तक उत्तराखंड की बात है, वहाँ पर भी जो हमें अभी तक मैसेज मिला हो यही है कि निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। और हमारे यहीं के जो यादव जी हैं, भूपेंद्र यादव जी, वो प्रभारी हैं मणिपुर के, तो अभी एक कार्यक्रम में मिथाया तो उन्होंने मणिपुर के बारे में बताया, मैं मणिपुर तो नहीं गया जानकारी, लेकिन वो कह रहे थे कि निश्चित तौर से बड़े बहुमत से मणिपुर में जीत रहे हैं। जहाँ तक पंजाब की बात है, पंजाब में पूरी तरीके से मुकाबले में है निश्चित तौर से, और पिछले दो तीन दिन में सारी हवा जो है वो बदल रही है, क्योंकि वहाँ के लोग भी ये समझते हैं कि अगर प्रदेश की आर्थिक स्थिति को ठीक करना, सिस्टम को ठीक करना, तो उसको बीजेपी ठीक कर सकती है। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हरियाणा में जिस प्रकार से किसान के लिए काम किया गया, यानी कि आज हम 14 फसलें खरीद रहे हैं, 21 से ज्यादा फसलें ऐसी हैं जिन पर हम भावांतर भरपाई योजना दे रहे, चाहे वो सब्जियां और चाहे फल है, और जिस प्रकार से अन्य डेवलपमेंट भी हो रही है, तो उसको देख के आज पंजाब का व्यक्ति भी समझता है कि अगर पंजाब की स्थिति को कोई ठीक कर सकता तो केवल और केवल बीजेपी ही ठीक कर सकती है। बाकी लोग तो बकाने का काम कर रहे हैं, जैसे अभी केजरीवाल जी ने कहा है कि भी हम 1,000 रुपये प्रति एक महिला को देंगे, कांग्रेस ने कह दिया कि हम 2,000 रुपये महिला को देंगे, और हालात उनके ऐसे हैं कि वो तनख्वाही देने के लिए पैसे नहीं उनके पास। तो आम आदमी ये समझ रहा है कि केवल बहकाने की बात कर रहे हैं, करने के लिए कुछ नहीं है। तो ऐसे में मुझे उम्मीद है कि निश्चित तौर से बाकी